आते बेटा, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज की क्लास। कल नया चैप्टर शुरू हो गया है। आप जो बच्चे लाइव रहे होंगे या उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी होगी, तो रिकॉर्डिंग देख ना, लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं आज का जो हमारा पॉइंट है, बहुत पॉइंट है, फर्स्ट क्लास पॉइंट है। आज का बेटा जो टास्क है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्सिया। लॉ ऑफ एनर्सिया है क्या? अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए ध्यान से समझिए। लॉ ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए हमें दो चीजें और सीखनी है। सबसे पहले उन दो चीजों को सीख लेते हैं। क्या देखो, सबसे पहले आता है मास और दूसरा आता है एनर्जी। मास क्या होता है और एनर्जिया क्या होता है, पहले हम इन दो चीजों को सीख लेते हैं, फिर हम लॉ ऑफ एनर्जिया को सीखते हैं। समझ में आ गया? मास क्या होता है? जैसे मैं कहूँ आपका वेट 98 किलोग्राम है, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। क्या आपका वेट आपका मास है? मास क्या है? मास द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। मास जो होता है पर्टिकुलर क्वांटिटी होता है जो किसी बॉडी में निहित होता है, होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल होता है मास इनटू ग्रेविटी। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पेन अपना ऑफ कर दें क्या गरिमा? Only 10 किलोग्राम। प्लीज अपना माइक बंद कर दो, आवाज क्लियर आ गई। कहाँ कैन नॉट बी चेंज स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल एनर्जी एक्ट ऑन इट। ध्यान से हिंदी में सुनिए। किसी भी वस्तु का वह गुण है, एनर्जी का किसी भी वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वो अपनी पोजीशन में बदलाव नहीं कर पाता। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। ये गुण, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है चाप होल्डर। What is this? This is chalk holder. We put this chalk holder on the table. हमने इस chalk holder को रख दिया, ठीक है ना? अब ये chalk holder इस टेबल पे रखा हुआ है, क्या ये अपने आप मूव कर सकता है? ये मूव करेगा ना? क्यों नहीं मूव करेगा? Due to inertia. अगर मोटरसाइकिल है, दौड़ती हुई जा रही है, रन कर रही है रोड पर, आपने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या रुकेगी? क्यों? अगर
वीडियो ऑन करिए वरना अपना सर क्लासेस नहीं आ रही हैं। सर की वीडियो भी नहीं आ रही। सर वीडियो नहीं आ रही आपकी। सर वीडियो नहीं आ रही आपकी। सर वीडियो नहीं आ रही आपकी। चुप अपने माइक बंद करो प्लीज। सब बच्चे अपने माइक बंद करें। रिकॉर्ड म्यूट कर। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। माइक बंद करो। चुप हो जाएगा। चुप रहे। ये रहने तो कहीं भी शुरू हो जाए। ओ मार दूंगी तेरे चश्मा में लात। बैठ जाओ चुप नहीं तो नाम लिख रही हूँ मैं। अबे रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी बात। चुप हो जाओ। मैं भी लिख रही हूँ। हैं कोई ना बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। सर सेंड तो करेंगे रिकॉर्डिंग। उनका चुप बैठ जा। ज्यादा मत बोला। ज्यादा आवाज आ रही ऐसा करो सबके सब दोबारा लीव करके जब करो जब आज शायद।
वीडियो नहीं आ रही है आपकी। लेकिन सर क्या था मोशन में था क्या होता आगे जाते ऐसे तो कटाते हैं या रेस्ट में चले गए लेकिन बॉडी मूव कर गई और आप आगे बढ़ जाते हैं। चंपल लॉफ बेटा समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट किसी को? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? ये तो था दिस इज अवर फर्स्ट लॉ। इनर्शिया एंड मास मैंने आपको समझा दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपका जो बेटा फिजिक्स का पार्ट है, देयर आर फाइव चैप्टर बिलोंग टू द फिजिक्स। पांच चैप्टर फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वन इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का नाम क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम। इससे पहले कि हम लॉ ऑफ मोमेंटम होता क्या है, उससे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है?
क्या होता है? क्या है? Body and this body calls it mass and this body का mass कितना है and this body moving this is the velocity इसका mass कितना है m body की velocity कितनी है v then momentum will be momentum that is represented by p p equal to mass into velocity and p equal to m g momentum जो होता है momentum of any object is defined as the product of its mass and velocity पढ़ते रहिए समझ गया हूँ क्लास के दौरान आपस में आप कन्वर्जेशन क्या बोल रहा था हाँ मोमेंटम की डेफिनेशन कैसे बनेगी momentum of any body is defined as the product of mass of the body and its velocity यानी कि जो momentum होता है वो उस object का mass और velocity के into होता है मतलब multiple होता है क्लियर हो गया अब हम जरा दो बच्चे ले रहे हैं आपको समझाने के लिए आज एक बच्चा ये आ गया एक सजल भी आ जा यहाँ जा अजय ये बच्चा ये हो गया ठीक है माना किसका क्या है सर नहीं है और क्यों हम दिल क्यों चाहेंगे मैक्सिमम मोमेंटम एंड वार इन दोनों बच्चों में से मैक्सिमम मोमेंटम किसका होगा और क्यों होगा ये प्रश्न क्या नाम है आपका आप बताएंगे
क्या हाँ नहीं ए है या बी है, ए का मोमेंटम ज्यादा होगा या बी का मोमेंटम ज्यादा होगा, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, रीजन हल्का हल्का है, भारी किसके टर्म में आता है, किसका मास ज्यादा होगा, मास किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, ए का क्यों ज्यादा होगा, क्यों होगा आप बताइए, मतलब वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम, हिमांशु भाई, देखो हिमांशु ने एकदम सूटेड आंसर दिया, द आंसर इज वेरी वेरी सूटेड टू द प्रॉब्लम आस्क्ड बाय मी, तो मैंने आपको इसका आंसर the momentum of first body is greater than momentum of second body, samajh aa gaya, yani kisne kaha, humne isne ye bola, isne bola kyunki a ka mass kya tha zyada tha, to sajan sahab ka mass kya tha zyada tha, to dusra bachcha tha uska mass kam tha, lekin velocity ko unke kaise kya hai zyada hai, to mamla kaise depend karega mass par, jiska mass zyada uska momentum bhi फोन में आके मोमेंटम क्या होता है, आइए अब हम बात करते हैं लॉ की, लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है, सर हमारे समझ में नहीं आया सर, पता नहीं क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सपोज मास ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सर इनिशियल वेलोसिटी सर, हां बेटे एंड सर हाँ बोलिए सर, हमारे समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा, सर सुनिए बोल रही हूँ, सर सुनिए बोल रही हूँ, सपोज वंस अगेन सपोज हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एट पोजीशन ए, वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, तो मोमेंटम एट दिस पॉइंट इज एम, मोमेंटम कितना हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, सो द टाइम इज टी, आफ्टर सम टाइम दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रीचेस एट ए पॉइंट टी हैविंग सेम मास बट नॉट वेलोसिटी इज टी, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट द मोमेंटम इज एम, दिस एम इज सेड टू बी फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, this is said to be initial moment, initial moment, momentum ho gaya aur initial momentum ho gaya, clear ho gaya, second law kya kehta hai, momentum clear ho gaya, final moment aur isme kya hoga, initial moment, law kya kehta hai, law kehta hai according to second law of momentum the time रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम, यहाँ टाइम 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 चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये है हमारा सेकंड, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस मोमेंटम सर ये किस फॉर्मूला है, माइनस इनिशियल मोमेंटम
सर ये फॉर्मूला किसका है? सर ये फॉर्मूला किसका है? सर ये फॉर्मूला किसका है? एक्सक्यूज मी सर ये फॉर्मूला किसका है? पूछ बोलिए अनीसा, बोलिए बोलिए किसका फॉर्मूला किसका है? ओके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यू नो वी इक्वल टू u प्लस अब फोन आ रहा है। दिस इज योर ब्लॉक। अब जो समझ में आया अब पूछे इस प्रकार से आज आपका फर्स्ट लॉ पूरा हो गया। ठीक है ना? पूरा करके आ गया।